हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ब्राउन मुंडे। और जो वीडियो सुबह देख रहे हैं उनको यार गुड मॉर्निंग, जो दोपहर में देख रहे हैं उनको गुड आफ्टरनून, जो शाम को देख रहे हैं उनको गुड इवनिंग। तो बस आज का यार वीडियो एक मतलब बहुत ही स्पेशल टॉपिक पे है। मैं बहुत दिन से मतलब देख रहा हूँ ट्विटर पे, न्यूज़ पे, हर जगह पे मतलब ये ट्रेंडिंग चल रहा है, बक्सवा जंगल की बात है। मतलब बक्सवा जंगल यार एक मध्य प्रदेश में एक बहुत ही बड़ा जंगल है, जिसमें मतलब लाखों पेड़ है, लाखों जानवर है, लाखों मतलब हर्बल प्लांट्स, हर्बल ट्रीज वगैरह बहुत कुछ है। तो अभी गवर्नमेंट को कुछ दिन पहले पता चला कि भाई यहाँ तो यार बहुत सारे डायमंड है नीचे, मतलब निकालेंगे भाई फुल पैसा ही पैसा हो जाएगा। बस तो निकाल दिया भाई लोगों ने टेंडर, और के भाई यहाँ मतलब माइनिंग करना है ये, और आदित्य बिरला ग्रुप को मतलब वो टेंडर मिल चुका है। तो अभी प्रॉब्लम ये है कि टेंडर तो मिल गया है, डायमंड भी निकालना है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि भाई वहाँ 2,15,000 से ज़्यादा वहाँ ट्रीज कटने वाले हैं, अभी सिर्फ और सिर्फ डायमंड निकालने के चक्कर में। ट्रीज तो कटेंगे ही, साथ में हर्बल ट्रीज भी साथ में जा रहे हैं, और एनिमल्स को रहने का प्रॉब्लम भी होने वाला है। कितने एनिमल्स वहाँ से बेघर होने वाले हैं, मतलब एक इकोसिस्टम वहाँ पे डैमेज होने वाला है, वहाँ पे बहुत बड़ा इकोसिस्टम वहाँ पे डैमेज होने वाला है, जिसको ह्यूमंस को भी असर होने वाला है भाई। अगर इतने सारे ट्रीज वहाँ पे कटेंगे तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन जो आ रहा था उसमें कुछ ना कुछ भाई शॉर्टेज होने वाला है वहाँ पे। अभी अभी तो कटेंगे ट्रीज, सबको लगेगा हाँ शॉर्टेज नहीं हो रहा, नहीं हो रहा भाई, क्या 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 ही प्रॉब्लम है। लेकिन भाई आगे बाद में पता चल जाएगा कि जितने ट्रीज कट रहे हैं ना उतने ही शॉर्टेज में जाने वाले हैं। फिर ये ला मतलब अल्टीमेटली यही हो रहा है कि हम अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाले हैं। तो यार एक मैं इस वीडियो में ना एक पिटीशन के लिए लिंक शेयर कर दूंगा, आप लोग प्लीज़ उस लिंक पे क्लिक करके और अपना अपना सब लोग साइन करो उसको, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि यार ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाए। मतलब यार क्या ही प्रॉब्लम चल रहा है यार, इतने पेड़ काटे रहोगे यार तुम लोग, उगाने का तो नाम ही नहीं चल रहा है यार, समझ नहीं भाई। एक पेड़ को यार उगाने के लिए अच्छे अच्छे पेड़ों को जिस जो ज़्यादा ऑक्सीजन देते हैं यार 10 साल 12 साल 15 साल ऐसे लगते हैं, और काटने के लिए क्या है 10-15 मिनट में ये लोग तो सनासन सन 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 करके काट देंगे। तो बस यार आगे वीडियो देखते रहो और वीडियो को शेयर करो, और यार सपोर्ट करो थोड़ा कि इस वीडियो को मैं आगे और बढ़ाऊँ आप, और पिटीशन साइन करना भूलना मत एकदम पक्का से। तो मैं जैसे मैं बता रहा था ना बक्सवा जंगल के बारे में, तो आप लोगों को थोड़ा मैं गूगल अर्थ पे दिखा देता हूँ कि बक्सवा जंगल दिखने में एक्चुअली गूगल अर्थ पे कितना बड़ा है, तभी तो आइडिया पड़ेगा ना भाई। तो ये बक्सवा जंगल है, देखो भाई ये जितने भी ये जब दिख रहे हैं ना भाई, पूरा का पूरा जंगल है, ऐसा लाल दिख रहा है तो समझ बिल्डिंग मत समझ लेना भाई, वो जंगल है भाई जंगल। पता है ये टीस्टर मतलब जो प्रोजेक्ट आने वाला है वो अप्रोक्स 384 हेक्टर है, मतलब भाई समझ रहे हो 384 हेक्टर इतना बड़ा है। एक्चुअली है मतलब बक्सवा जंगल वो संगोरिया करके एक विलेज है, और चतरपुर से मतलब 80 किलोमीटर से, और जो कैपिटल है उससे 240 किलोमीटर अप्रोक्स भोपाल से ये जंगल है। तो गवर्नमेंट का मानना है ना कि मतलब अभी यहाँ पे कि 34 मिलियन कैरेट ऑफ रफ डायमंड्स इसके अंदर दबे हुए हैं। बस इसी के लिए मतलब इन लोगों ने वो सब टेंडर वेंडर निकाला, और वो मिला किसको, आदित्य बिरला ग्रुप एसएल्स माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड को, जो अभी यहाँ पे 2,15,000 से ज़्यादा ये पेड़ काटने वाले, जो दिख रहे हैं ना भाई पूरा का पूरा जंगल है। इतना पेड़ यार कटेगा तो सोचो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं यहाँ पर पूरे मतलब लोगों को, एनवायरनमेंट को, सब कुछ को। मतलब आप देखो इसमें कितना घना जंगल है, कितना लंबा चौड़ा जंगल है, मतलब यार 384 हेक्टर्स मतलब सब कितना यार, मैं आपको इसे समझा नहीं। आप जाओगे उसके अंदर तो फिर तो भूल भुलैया हो जाएगा, मतलब इतना बड़ा जंगल है, और इसी को यार काटने के चक्कर में अभी गवर्नमेंट, मतलब आप ध्यान से देखो इसमें इतना टेंशन वाली बात है यार। मतलब प्रॉब्लम तो क्या क्या है, अब भी है ना आपको मैं थोड़े से पिक्स दिखाता हूँ बक्सवा जंगल के। ये तो गूगल अर्थ पे है, इतना नहीं सही से समझ में आएगा, लेकिन ये पिक्स देखो एकदम, ये यार बक्सवा जंगल का पिक है, कितना मतलब घना जंगल है। ये भी वहाँ का ही पिक है यार, देखो नेचर और हमारा मतलब फ्रेंडशिप होता है तभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेचर एक टाइप का मतलब लंग्स टाइप है यार, ऑक्सीजन हमारे लिए देता है तभी तो हम सांस ले पाते हैं। बस जहाँ पे यार ये इधर
तोड़फोड़ शुरू हुआ जंगल में कि प्रॉब्लम भी शुरू होंगे। जहाँ ये सब जेसीबी वेसीबी की एंट्री हुई उधर बस प्रॉब्लम शुरू हो गए। तो यार गवर्नमेंट को ये सब सोचना चाहिए। अगर हम लोगों को ये सब सीन नहीं देखना है आगे, ऐसे पेड़ कटे हुए वाले सीन नहीं देखने ना वहाँ पे, तो यार हम लोगों को आगे कुछ स्टेप लेना पड़ेगा। मतलब गवर्नमेंट को हम आवाज़ उठानी पड़ेगी यार। इतना मतलब पेड़ कटता है हर हर साल यार, कुछ ना कुछ नया नया फॉरेस्ट को प्रॉब्लम आ रहा है, एनिमल्स को प्रॉब्लम होता है, मतलब कितना प्रॉब्लम हो रहा है। और यार प्रॉब्लम की बात बोल लेना तो और प्रॉब्लम्स तो यार अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स को मैंने ढूंढ के निकाले हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है नेटिव ट्राइब्स को, क्योंकि यार उनको खाना पानी सब वो जंगल से ही मिलता है, और जो जंगल के ही आइटम्स मतलब फ्रूट्स वगैरह जो भी तोड़ के वही लोग वो वहाँ सेल करते, तब उनकी इनकम होती है, तो वो भी वहाँ उनकी बंद हो जाएगी। और फिर जंगल कटने के बाद जानवर सब आ जाएंगे भाई अपने मतलब रियासी इलाके में, मतलब जहाँ इंसान रहते वहाँ आ जाएंगे, तो वहाँ पे फिर यार उनका मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाएगा, फ्लोरा और फौना बहुत सारे डैमेज होने वाले, लैक्स इन नंबर यार। और फिर उसके बाद अभी तो नहीं पर बाद में यार बड़ा प्रॉब्लम आएगा, नेचुरल डिजास्टर्स आएंगे, क्योंकि पेड़ कटेंगे तो अर्थक्वेक का प्रॉब्लम आ सकता है, ड्रॉट पड़ सकता है, फ्लड आ सकता है। देखो लोग वहाँ के यार पूरा मतलब प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट यहाँ नहीं आना चाहिए, माइनिंग स्टॉप होनी चाहिए, नहीं होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि यार इतना प्रॉब्लम हो रहा है। तो यार पिटीशन आप लोग साइन करो और आगे फॉरवर्ड भी करो वीडियो, ताकि लोगों को भी आगे मिलते जाए। और बस आज के लिए इतना है यार, प्लीज़ सपोर्ट सेव बक्सवाहा और जंगल्स को बचाओ, ट्रीज़ को बचाओ।